अरे फाजिलका वासियां नूं मेरी प्यार भरी सत श्रीकाल। की हाल, उम्मीद करदा हां ठीक ठाक होवोंगे, चढ़दी कला दे विच होवोंगे। कि तुसीं वी अपने बच्चों का भविख बाहरले देशों विच बनाउणा चाहुंदे हो, पर सही फैसला नहीं लै पा रहे कि किहड़े देश जाइए, क्यों जाइए, कैनेडा क्यों जाइए, क्यों नहीं जाना चाहिदा, यूके क्यों जाइए, क्यों नहीं जाना चाहिए, कि साडा बच्चा आस्ट्रेलिया लई सारियां कंडीशनस पूरियां करदा है नहीं करदा। तां हुण घबराउण दी लोड़ नहीं, बीबीएस थोड़ी इस करेगा पूरी मदद, सानू देगा सही अते वधिया सलाह। पर एक गल दा ध्यान रखो कि कदे भी अपने बच्चों का फ्यूचर किसी एजेंट, किसी भैन भरा, दोस्त मित्र कहते प्लैन ना करो। तुसी आप पेरेंट्स की यह बहुत वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी है। तुसी अपने बच्चे के फ्यूचर का फैसला लैन जा रहे हो, पैसे तुसी लाने जा रहे हो, तो थोनू प्रैक्टिकली होना पड़ेगा। थोनू प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि असी कैनेडा ही बच्चा क्यों भेजिए, असी यूके क्यों भेजिए, असी ऑस्ट्रेलिया क्यों भेजिए, असी किसी होर कंट्री क्यों भेजिए। तो किसी के पिछे लग के फैसला लिया कई बार थोनू गलत डायरेक्शन दे देता, चाहे वह कोई भैन भरा हो, चाहे कोई एजेंट हो। रीज़न ये होंगे कि आपां प्रैक्टिकली आपां कदे सोचा ही नहीं कि असीं उत्थे बच्चा क्यों भेजिए। आपां ये फैसला बच्चों की जिंदगी का फ्यूचर का फैसला किसी के कहने या किसी रिश्तेदार का बच्चा गया तो आपां जाना है, किसी दोस्त का बच्चा गया आपां जाना है, तो उहदे ते फैसले नहीं ले जा सकते। बट ये नाते बाजारों के भी बहुत धांधलियां हो रही हैं, बहुत दिखाया कुछ जाता है, तो पिछों बैकएंड से थोड़ा बहुत मोटी रकम का चूना लगाया जाता है। वो सारिया सही डायरेक्शन कहड़ियाँ, कितने बच्चे भेजना चाहिए, क्यों भेजना चाहिए, किहड़ा मुल्क थोड़े बच्चे लिए बेस्ट है, कि असी अपने इस बच्चे इस मुल्क क्यों भेजिए, कि उत्थे जाके साडा बच्चे लिए की चैलेंजेस आउणगे, किन्ने टाइम साडा बच्चा पीआर हो सकता है, कि उत्थों दे चैलेंजेस है, कि उत्थों दा वैदर है। ये सारियां चीज़ां पेरेंट्स ताई सोच सकते हैं, ताई सोच के प्रैक्टिकल फैसला लै सकते हैं। इसलिए पहला पेरेंट्स नूं आप प्रैक्टिकली नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है। तुसीं बाजारां दे विच किते भी जाने हो, तुहानूं ये प्रैक्टिकली किसी देश बारे, उत्थों दे जिहड़े पीआर सिस्टम बारे, उत्थों दे वैदर्स बारे जाणू नहीं कराया जाता। सानूं होर चक्करां च उलझा लिया जाता है कि तुसीं उत्थे जल्दी जाओ जी, सीट्स फुल होण वालियां जी, तुसीं इन्ने पैसे पहलां पे कर दो जी, इन्ने बाद च पे कर दो जी, असीं तुहाडे तों कोई आ पैसे नहीं लै रहे जी, असीं सारे पैसे एंड ते लवांगे। बट उहदे पिछे की रीजनस ने, की आ उह तुहानूं प्रैक्टिकली पेरेंट्स लई इक बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। नहीं तां बाजारां दे विच डेली आपां न्यूज़ सुणदे हां, खबरां देखदे हां कि एजेंट इस चीज का बड़ी धड़ल्ले नाल फायदा चक रहे हैं। तो माँ बाप को पहला गाइड होना बहुत जरूरी है। असी थोड़े नाल, मैं बीबीएस के एमडी होने के नाते प्रोमिस करदा कि तुसी साडा ये सैमीनार अटेंड करो। इस अटेंड करन नाल तुसी आप माँ बाप को 80-90% हर कंट्री की प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाएगी कि सानू कित्थे बच्चा जाके साडा किन्ना सेफ है, किन्ने टाइम च पीआर होएगा, की उहदी फाइल का प्रोसैस है। थोनू एक वादा होर करदा है कि थोनू ये प्रोसैस समझन तो बाद पूरे इंडिया दे विच किसी भी एजेंट कोल चल जाओ, थोनू धोखे दे नाल बैक एंड तो कोई गलत तरीके नाल पैसे वसूल नहीं कर सकेगा। मेरा थोड़े नाल वादा है, गरंटी है। सो ये सारिया चीज़ों की इनफॉर्मेशन लैन लई तुसी साडे सैमीनार का हिस्सा बन सकते हो, जिहदियां रजिस्ट्रेशन अज तो ओपन ने। दिन शनिवार को साडा 6 तरीक को सैमीनार है, होमस्टेड जिहड़ा रेस्टोरेंट है फाजिलका विखे, शाम को 3 बजे तो स्टार्ट हो जाएगा। एक मैं पेरेंट्स को बेनती जरूर करांगा कि आपां उस दिन इकट्ठे हो रहे हैं, किस लई, ये प्लीज़ सोच के आयो, आपां उस दिन इकट्ठे हो रहे हैं बच्चों के फ्यूचर की गल करन लई, बच्चों के फ्यूचर को सैट करन दी गल करन लई। तां जिहड़ा भी इहदे लई सीरीयस और रिस्पोंसिबल परसन है, जो अपने बच्चों लिए वाकई सीरीयसनैस नाल उहदा फ्यूचर नूं प्लैन करना चाहुंदा, सो मेरी ये हथ बन के सानू रिक्वेस्ट है कि उही बंदे, उही सीरीयस क्लाइंट साडे सैमीनार का हिस्सा बनन। असी कोई कट करन च, असी कोई रश करन दे विच विश्वास नहीं रखते। सानू वो पेरेंट चाहिए है जो अपने बच्चों के फ्यूचर नूं लैके संसीयर ने, ते अपने बच्चों के फ्यूचर नूं किते भी देश, किसी भी कंट्री भेजन तो पहला उस देश की कंट्री की प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं। तो आप उस दिन का 1.5 से 2 घंटे का सैमीनार होएगा। सही यह 3 बजे असी स्टार्ट कर देंगे, 4:30-5 बजे की समाप्ति हो जाएगी। इस 1.5 से 2 घंटे के मैं थोड़े ना प्रोमिस करदा कि हर माँ बाप,
हर कंट्री लई 80-90% एजेंट बन के जाएगा, प्रैक्टिकली नॉलेज लैके जाएगा, जिदे नाल ना तो सानू बाजारां छोण वालियां धांधलियां का शिकार होना पएगा ते ना ही तुसी अपने बच्चे के फ्यूचर लई सही प्रैक्टिकल फैसला लै पाओगे, ना कि किसी एजेंट या किसी दोस्त मित्र के कहन ते सानू फैसला लेना पएगा। सो एनिया के गल्ला करदा होया सारियां तो ये उम्मीद करदा कि अपने बच्चे के फ्यूचर लिए आप जरूर इकट्ठे होवांगे। सो सारियां का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ABN न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज़ चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।